हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह को कभी कभार ही जला लाया करता था। आम तौर पर इसका इजहार नहीं फरमाया करते थे। आपके एक मुरीद खलीफा जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह थे। शेख हांसवी के साथ बड़ी उल्फत से पेश आते थे। इनको हज़रत गन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने खुरका खिलाफत भी अता कर रखा था। एक मरतबा हज़रत शेख हांसवी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारक पढ़ी कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग और दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के बाद आप पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। दिल में तमाम ख्वाहिशात मुर्दा हो गईं और हर वक्त तोबा अस्तगफार में लगे रहते। इन्हीं औसाफ की वजह से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह इनसे बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे, और अक्सर मजालिस में जब शेख जमाल का जिक्र होता तो आप फरमाते, जमाल जमाल हमारा है, यानी जमाल जो भी कर रहे हैं वो करते रहें क्योंकि वो हमारे हैं। इनकी धूम हर तरफ फैलती जा रही थी और इनके अकीदतमंदों में रोज़ अफजों इजाफा होता चला जा रहा था। एक मरतबा एक बड़ा अजीब को गरीब वाकया पेश आया। हुआ यूं कि आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा कि जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह को मुझे दे दो, और अगर लेना चाहो तो मेरे तमाम खुलफा और मुरीद ले लो। आप हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की दिल से इज़्ज़त और तकरीम फरमाते थे, और आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस किस्म का मुतालबा कर देंगे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हज़रत शेख बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ़ लाए थे और हज़रत ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में क़याम पज़ीर हुए थे। इन दोनों बुज़ुर्गों का चारों तरफ खूब शहरा था, मगर इस वक्त हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। आप बड़ी मुश्किल से खानकाह में दाखिल हुए थे और हज़रत शेख कुतुबुद्दीन की दस्तबूसी की थी, मगर आज सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ थी। हज़रत बाबा फरीद आज इन्हीं शेख कुतुब के बाख्तियार खलीफा थे और आपके हलफा भी अपनी मिसाल आप थे। आपने जब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का ख़त पढ़ा तो आपको अज़ खुद ताज्जुब हुआ कि एक बहुत बड़े वली कामिल ने ये किस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। साफ साफ जवाब भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर मुर्शिद की बेहद इज़्ज़त किया करते थे। आपने जवाब में ख़त लिखा जिसका मफहूम ये था, जमाल तो मेरा जमाल है, मुआवजा माल में होता है ना के जमाल में। हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अगले ख़त में तहरीर फरमाया कि अगर मुस्तकिल नहीं तो फ़कत चंद दिनों के लिए ही भेज दो। आपने जवाबन तहरीर फरमाया कि या शेख, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है? आप चंद रोज़ के लिए कहते हैं, मैं तो चंद लम्हात के लिए भी जमाल को खुद से जुदा नहीं कर सकता। आप बार बार मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। यूं आपने बात को हतमी शक्ल दे डाली कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद मुतालबा ना कर सकें, मगर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी कोई आम शख्स तो ना थे। आप भी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता थे। आपने अपनी रूहानी ताकतों को बुरुए कार लाते हुए हज़रत शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी तरफ रागब कर लिया। इसका नतीजा कुछ इस तरह निकला कि एक रोज़ शेख जमाल अचानक हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करने लगे कि पीरो मुर्शिद, मुझे मुल्तान जाने की इजाज़त अता फरमाइए। आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ की जाने वाली हतो कताबत याद आ गई। आपने इत्माम हुज्जत के लिए दरियाफ्त फरमाया कि जमाल, क्या तुम्हें मुल्तान में कोई काम है? तुम वहाँ क्या करोगे? शेख जमाल ने जल्दी से अर्ज़ किया कि मैं शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होना चाहता हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम भूल गए कि मैंने शेख को इनके मतवातर खतूत के जवाब में इनकार किया है? अगर भेजना होता तो क्या मैं पहले ही ना भेज देता? मगर शेख जमाल बजद रहे
हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि मामला क्या है। आप पर जलाली कैफियत तारी होने लगी, मगर आपने कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि जमाल, क्या तुम अपना इरादा तब्दील नहीं कर सकते? मगर शेख जमाल का इसरार बराबर जारी रहा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और जलाली आवाज़ में फरमाया, जाओ, चले जाओ। ये क्या इजाज़त थी, ये क्या हुक्म था, ये क्या वक्त था कि एक मुरीद ने अपने पीर व मुर्शिद से किसी दूसरे साहबे इल्म शख्स से मिलने की इजाज़त मांगी तो इसके मुर्शिद को जलाल आ गया। अब इस मुरीद की तमाम रूहानी कुव्वतें इसके मुर्शिद ने सलब कर ली और इसको इजाज़त दे दी कि अपने तौर पर अगर जाना चाहे तो मुल्तान चला जाए। एक वक्त था कि शेख जमाल साहिब कशफ थे और इनके अकीदतमंद भी कसीर तादाद में थे, मगर जब मुर्शिद ने तमाम अहवाल सलब कर लिए तो अपने ही आप से बेगाना हो गए। कहाँ का मुल्तान और कहाँ की रवानगी, अपने ही होश से बेगाना हो गए, अपना आप भूल गए, मुल्तान कहाँ याद रहता। इस मौके पर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ने क्या खूब फरमाया कि ये कोई खेल नहीं कि आज किसी से बैत हुए और कल किसी और से फैज़ लेने चल दिए। एक का होने में ही कामयाबी और कामरानी है। फिर एक ऐसा वक्त आया कि आपने शेख जमाल का जिक्र भी खानकाह में करने से सबको मना फरमा दिया, क्योंकि इस वजह से मुरीदैन को बदगुमानियाँ होती थी। शेख जमाल अब शेख जमाल ना रहे बल्कि महज जमाल रह गए, बस नाम के जमाल। चेहरे से और हुलिये से तो जमाल गायब हो चुका था, बात तो ताकतों की थी जो कि सलब हो चुकी थी। अब जमाल को कोई भी नहीं पहचानता था। इस जमाल को जिसे आप फरमाते थे कि जमाल तो मेरा जमाल है, वही जमाल अब अपने आप में ना था, इसकी पहचान ही खो चुकी थी। इन्हीं अयाम में जबकि शेख जमाल अपनी एक कोताही की वजह से मुर्शिद पाक के ज़ेर अताब थे और इनकी अकीदतमंद इनके मौजूदा हाल पर शदीद अफसोस का इजहार करते थे कि एक साहब ने इनको इस हाल में देखा। ये साहब जो कि एक सौदागर थे, मुद्दत बाद शेख जमाल को देख रहे थे। इनका नाम आलिम था और ये भी हज़रत गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खास थे। उन्होंने शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह को साहब जमाल देखा हुआ था। अब जो देखा तो जमालुद्दीन का जमाल लुट चुका था और मौजूद जमाल रसवाई की मुकम्मल तस्वीर बना हुआ था। आलम साहब ने शेख जमाल से बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो तो अपने हवास ही खो चुके थे। जिसने अपनी पहचान ही खो दी वो भला किसी को क्या पहचानेगा। ये साहब हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के दर अकदस पर हाज़िर हुए तो आपसे मुलाकात से पहले खानकाह में दीगर मुरीदैन से भी मुलाकात की। वहाँ मालूम हुआ कि इस खानकाह में शेख के सामने तो शेख जमाल का नाम लेना भी ममनू है, मगर आलिम साहब तो दिल में पुख्ता इरादा लेकर आए थे। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि शेख शर्फ़ मुलाकात बख्शें, मगर अभी तक इजाज़त ना मिली। आखिर हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कमरे खास में तलब किया और इनसे इनके अहवाल दरियाफ्त किए। आलिम साहब से अपने अहवाल ना बताए जा रहे थे, बात करना कोई चाह रहे थे और मुँह से बात कोई निकल रही थी। साहब नज़र पीरो मुर्शिद भांप गए कि मामला कोई दूसरा है। आपने आपदीदा मुरीद से फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो आलम मियाँ, जो कहना है कहो, हमें अपने दिल की बात बताने से क्यों गरेजा हो। आखिर हिम्मत जमा करके आलम साहब ने पीर व मुर्शिद के पांव पकड़ लिए और ज़ारो कतार रोते हुए जमाल का हाल पीर व मुर्शिद के गोश गुजार किया। आलिम साहब ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे यकीन है कि आप इनके हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं तो आपसे ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था कि इनके हाल पर अब रहम कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस रास्ते पर चलकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली है। आपने फरमाया कि तुम गलत नहीं कहते हो, मगर अहले सलूक के लिए ये मुनासिब नहीं है कि आज एक का दामन पकड़ा तो कल किसी और का दामन। मुझे भी जमाल से अज़ख़ुद प्यार है, मैं तो दिल्ली को इसके वास्ते छोड़कर हांसी चलाया था। ने फरमाया, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि जमाल से कहो कि इसकी ख़ता माफ़ कर दी गई और सलब शुदा अहवाल बहाल हो गए हैं। अब इसको कह दो कि जमाल कल भी हमारा था और आज भी हमारा है।